अविनाश, उत्तराखंड की राजनीति को लेकर क्या खबर है आपके पास? लगातार चर्चाएं हो रही हैं, हम देख रहे हैं देहरादून से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर भी चल रहा है, मंथन किया जा रहा है, कब तक मुख्यमंत्री का चेहरा हो जाएगा फाइनल उत्तराखंड के लिए? देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा निकलकर 19 मार्च के बाद ही आएगा जब पर्यवेक्षक उत्तराखंड के अंदर पहुंचेंगे, लेकिन तमाम सारे उत्तराखंड के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, अब वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, क्योंकि दिल्ली में ही सबकी निगाहें टिकी हुई है कि अगला उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। रेखा आर्य मेरे साथ मौजूद हैं जो कि कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं, पिछले 10 सालों से ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मैम, स्वागत है आपका, आप भी दिल्ली दौरे पर हैं, क्या आप लोगों के मन में चल रहा है जो तमाम सारे विधायक मंत्री सब लोग दिल्ली दौरे पर आ चुके हैं? देखिए, दिल्ली में हमारा शीर्ष नेतृत्व रहता है और निश्चित रूप से हमारे चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हों या संगठन महामंत्री हों अथवा हमारे केंद्रीय नेतृत्व के हमारे मंत्रीगण हो, सभी से मुलाकातें, शिष्टाचार मुलाकातें सभी लोग करते हैं और निश्चित रूप से इतनी बड़ी जीत के साथ में हम सब लोग लौटे हैं और पुनः एक मिथ को तोड़ा है, तो उसका धन्यवाद भी और आभार भी, जिस प्रकार से केंद्र का सहयोग रहा है, उसके मार्गदर्शन में हम सब लोग इतने प्रचंड बहुमत के साथ आए, तो उसका आभार व्यक्त करने हर कोई व्यक्ति दिल्ली आता भी है और मैं समझती हूँ कि उचित मार्गदर्शन लेकर वापस अपने काम पे लगता भी है। देखिए, कहा यह भी जा रहा है कि तमाम सारे जो विधायक आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, वो अपने लिए भी लॉबिंग कर रहे हैं और महिलाओं का खासतौर से जिक्र हो गया। वर्तमान में अगर देखें तो बीजेपी की किसी भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं है, तो क्या रेखा आर्य भी अपनी दावेदारी कर रही हैं? देखिए, मैं ये कह सकती हूँ कि मैं तीसरी बार के विधायक हूँ और निश्चित रूप से पार्टी के आशीर्वाद से लगातार जो है पार्टी ने जिस प्रकार से काम किए हैं, जो दायित्व दिया है उसका निर्वहन किया है और निश्चित रूप से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है मैं। लेकिन फिर भी ये मानती हूँ कि जो हमारा पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, चाहे वो महिला के रूप में हो चाहे पुरुष के रूप में हो, सर्वप्रथम उत्तराखंड का हित महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि उस दृष्टिकोण की 5 साल जो बेहतर ढंग से उत्तराखंड की सरकार चला सके, मैं समझती हूँ कि ऐसे मुख्यमंत्री का चयन होना चाहिए और महिलाओं ने अब की बार जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुत आशीर्वाद दिया है और यदि महिला बनती है तो और स्वागत योग्य है और यदि कोई व्यक्ति भी बनता है तो भी स्वागत है, पार्टी जो निर्णय करती है हम उनके साथ खड़े हैं। आपने बड़ा घुमाकर जवाब दिया है, क्या आप अपने आप को दावेदार मान रही हैं? मैं सीधा प्रश्न कर रहा हूं आपको। देखिए, मैं समझती हूँ कि हर एक व्यक्ति दावेदार है और हर एक व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। निश्चित रूप से हम राजनीतिक क्षेत्र में होते हैं लेकिन हम सब लोग अपने दायरे में होते हैं और मैं मानती हूँ कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा उसके सब साथ होंगे। मैं अपने आप को इतना कह सकती हूँ कि मैंने पार्टी के लिए हमेशा काम किया, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, तीसरी बार महिला विधायक हूँ और तीसरी बार मैं समझती हूँ कि सबसे महिलाओं में सबसे वरिष्ठतम हूँ, तो मैं समझती हूँ कि पार्टी नेतृत्व इस पर सभी बातों पर विचार करेगा और जिसको भी देंगे हम ये मानते हैं कि उत्तराखंड का हित होना चाहिए, हम उसके साथ हैं। देखिए, आप दावेदारी तो जरूर कर रही हैं लेकिन घुमा फिरा के करें। अब सीधा सवाल एक और करते हैं, पुष्कर सिंह धामी को लेकर के बड़ी चर्चा है, कई सारे लोगों ने फीडबैक दिया है कि नहीं बनना चाहिए, तो कई सारे लोगों ने फीडबैक दिया है कि विधायकों की रायशुमारी कर लेनी चाहिए, आपने क्या फीडबैक दिया, क्या धामी को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को 6 महीने का समय मिला काम करने के लिए और उस 6 महीने के समय में जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, जनहित में निर्णय लिए, चाहे महिलाओं के हित में हो, रोज़गार के हित में हो या कर्मचारियों के हित में हो, उन्होंने उत्तराखंड को एक नई दिशा देने की कोशिश करी है और इतने कम वक्त में फिर से जो है एक उत्तराखंड में एक मिथ था कि जिनकी सरकार होती है वो दोबारा लौट कर नहीं आती, उस मिथ को तोड़ने का काम किया और एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम किया, उन्हीं के चेहरे से हम लोग 47 सीटों पर पहुँचे भी है, तो मैं तो उम्मीद यही करती हूँ कि उनको पुनः मौका मिलना चाहिए ताकि वो बेहतर पारी खेल सके उत्तराखंड के हित में और बेहतर निर्णय कर सके। मैं समझती हूँ को एक अवसर जो है और दिया जाना चाहिए ताकि जो उनका और विजन है जो हम लोगों ने देखा है वो आगे उसको पूर्ण कर सके। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ हो रहा है, 2017 में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उस समय अजय भट्ट को सबसे नंबर 1 कंटेंडर माना जा रहा था मुख्यमंत्री दावेदार के लिए, चुनाव हार गए मुख्यमंत्री नहीं बने, बीसी खंडूरी चुनाव हार गए मुख्यमंत्री नहीं बने, तो क्या आपको लगता है कि पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए तो मुख्यमंत्री की दावेदारी खत्म हो गई या कमजोर हो गई? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि मुख्यमंत्री धामी जी को 6 महीने का अवसर मिला काम करने के लिए एज ए मुख्यमंत्री के रूप में और इस 6 महीने में वो प्रचंड बहुमत की सरकार लौटा कर लाए हैं और एक मिथ को तोड़ने का काम किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत कम वक्त में जो है उन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन करके दिखाया है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में ही ये सभी कुछ संभव हुआ है, तो हम सब लोगों की भावना है कि एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। जो आपने पुरानी बातें बताई, चाहे बीसी खंडूरी जी के संदर्भ में बताई, चाहे आपने अजय भट्ट जी के संदर्भ में बताई है, निश्चित
रूप से वह भी घटनाएं घटित हुई हैं, पर मुझे लगता है कि अपवाद हर मामले में होते हैं और यदि संभव हो हम तो अपनी ओर से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, संभव हो तो उत्तराखंड के हित में तो सर्वप्रथम पहले वो निर्णय हो, अन्यथा मैं समझती हूँ कि उनको एक मौका दिया जाएगा तो निश्चित रूप से जो प्रचंड बहुमत की सरकार आई है वो बेहतर ढंग से उसको लीड कर पाएंगे। आपने अपनी दावेदारी की, धामी जी का जिक्र कर दिया, महिलाओं में भी बड़ी फाइट चल रही है, रितु खंडूरी के कई सारे समर्थक उनके नाम के जय जयकार लगा रहे हैं, आप भी दिल्ली में मौजूद हैं, रितु खंडूरी भी दिल्ली में मौजूद हैं, कई सारे विधायक मौजूद हैं, तो आप लोग विधायकों को लेकर के लॉबिंग करें कि विधायक सब अपने अपने लिए लगे हुए हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि आज हर कोई व्यक्ति जो विधायक बना है वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विधायक बना है और निश्चित रूप से जो 5 साल का कार्यकाल रहा है और प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन रहा है, जो उनकी नीतियाँ रही हैं, जो योजनाएँ रही हैं, उस पर आधारित रहते हुए सब लोग चुनाव जीत के आए हैं, यानी कि सब कमल के फूल के साथ में आया। और मैं समझती हूँ कि कोई अपनी दावेदारी करे, कोई किसकी दावेदारी करे, वो कह रही है उन महत्वाकांक्षाएं सबकी होती है राजनीति में और पुष्कर सिंह धामी के सपोर्ट में भी रेखा आर्य दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। बहुत शुक्रिया आपका अविनाश।